जय गुरुदेव बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके क्लास में एक नई लड़की आई है, तो चलो मैं आपको उस नई लड़की से मिलवाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसमा। आप मेरे बारे में इंग्लिश क्लास में पढ़ चुके हैं ना, तो आज मैं आपके साथ हिंदी सीखने आई हूँ। तो चलो हम सब मिलकर हिंदी के अक्षर सीखते हैं। बच्चों बताओ मेरे हाथ में क्या है? फूल। किस चीज़ का फूल है? कमल। किस चीज़ का फूल है? कमल। इंग्लिश में इसे लोटस कहते हैं। ये क्या है बच्चों? इसमें हम दूध, कॉफ़ी, चाय ये सब पीते हैं। क्या है ये? कप। क्या कहते हैं इसे? कप। अब बताओ मेरे हाथ में ये क्या है? कपड़ा। क्या कहते हैं इसे? कपड़ा, क्लॉथ। क्या कहते हैं? कपड़ा। ये किस चीज़ का चित्र है? कबूतर। कबूतर मीन्स पिजन। तो बच्चों अभी हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी? कमल, कप, कपड़ा और कबूतर। तो इन सब चीज़ों का पहला अक्षर क्या होगा? व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस थिंग्स? द फर्स्ट लेटर इज क। तो इनका पहला अक्षर क्या होगा? क। क से कमल, क से कप, क से कपड़ा एंड क से कबूतर। बच्चों ये किस चीज का चित्र है? खरगोश। खरगोश मीन्स रैबिट। ये किस चीज का चित्र है? खरबूजा। खरबूजा क्या होता है? एक प्रकार का फ्रूट। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मस्क मेलन, खरबूजा। ये क्या है? खटमल। खटमल मीन्स बेड बग। ये क्या है? खजूर। खजूर मीन्स डेट। इट्स अ ड्राई फ्रूट। तो बच्चों खरगोश, खरबूजा, खटमल, खजूर, इन सब शब्दों का पहला अक्षर क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड्स? ख। ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खटमल, ख से खजूर। तो बच्चों अब हम क और ख अक्षर से और नए शब्द सीखेंगे। तो चलो हम सीखते हैं और नए शब्द। बच्चों आज हम व्यंजन माला के दो लेटर्स सीखेंगे, क और ख। क पहला लेटर है क। क से कछुआ। क से कबूतर। क से ककड़ी। क से कोयल। क से कौआ। क से केला। आप भी मेरे साथ बोलिए। कबूतर बोला कौए से, कबूतर बोला कौए से, चलो कोयल के घर। कोयल के घर मिलकर ककड़ी खाएंगे, मिलकर ककड़ी खाएंगे बैठकर उसके छत पर। तो बच्चों अभी हमने क लेटर से शब्द सीखे, अब हम दूसरा लेटर सीखेंगे, ख से खरगोश। ख से खरबूजा। ख
ख से खटमल, ख से खीरा, ख से खीर, ख से खिड़की। तो हमने ख लेटर से शब्द सीखे। अब आप भी मेरे साथ बोलिए। खीरा लेकर हाथ में खत पढ़ने लगा खरगोश। जब खटमल ने काटा उसको, उड़ गए उसके होश। आज हमने क और ख से बने शब्द सीखे। अगली क्लास में हम क और ख लिखना सीखेंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव।